अल्हम्दुलिल्लाह मैं नूर भाई हूँ। मैंने चिकन पोटैटो कट्टस बनाए हैं ज़रा अलग स्टाइल से, आप देखिएगा आपको पसंद आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, मैं आपको खा के चेक कराती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार। बिल्कुल ये ना थोड़े अलग हटके हैं जो आम मैं बनाती हूँ उनसे, उस तरीके से। तो आप ज़रूर देखें और बनाएं खाएं, मुझे भी दुआ में याद रखिए। तो आइए देखते हैं मैं कैसे बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो बहन और भाइयों, आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के कटलेट नए स्टाइल में। तो ये मेरे पास चिकन है, ये जब मैं, ये फ्रोज़न है देखिए आप, ये जब मैं चिकन लेके आती हूँ तो उसमें से दो तीन पोटियाँ निकाल के इस तरह मैं फ्रीज कर देती हूँ, ज़्यादा हो तो इस तरह। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था गोश्त, तकरीबन 250-300 ग्राम होगा। और ये मेरे पास है 3 पाव आलू है, ये इस तरह। तो आज मैं इनको कुकर में बॉईल करूंगी, पानी डाल देती हूँ और साथ डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा नमक। ढक्कन लगा देती हूँ और चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। बहन और भाइयों, 10 मिनट हो गए, कुकर मैंने उतार लिया है, मैं खोल के चेक कर लेती हूँ। आलू बेहतरीन गल गए हैं, मैं इनको निकाल के एक बाउल में रख लेती हूँ, ठंडा कर लेती हूँ मैं। इस तरह सारे आलू भी और चिकन भी निकाल के रख लेती हूँ। बहन और भाइयों, मैं पंखे के नीचे रखे हुए थे मैंने आलू भी और चिकन भी, वही मैंने छिलका उतार लिया है आलुओं का और चिकन को श्रेड कर लिया है। और ये एक बड़ा प्याज था, इस तरह मैंने इसको बारीक काट लिया है, बारीक। 3 हरी मिर्चें ये भी बारीक काटी हैं, 2-3 लहसुन के जवे हैं ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, हरा धनिया है। और ये मेरे पास मसाले हैं, नमक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ करें। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स है, 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया है और 1/2 चम्मच मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें गरम मसाला। गरम मसाला मेरा जो है वो होममेड है और ये बहुत तेज़ है क्योंकि इसमें मैंने सारे मसाले ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जो आलू हैं उनको मस लेती हूँ आपसे। आलू जो है इस तरह मैं करूँगी, इतना के बहुत बारीक ना हो, वरना मैं जो आलू का जो पोटैटो मैशर होता है मैं उससे भी काट सकती थी, लेकिन ये मैं हाथ से ही करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत बारीक नहीं करने, मोटे मोटे ही रखने हैं थोड़े मुझे। ये देखें इस तरह। पैन चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे और इसमें मैं डालूंगी ये 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल। सबसे पहले लहसुन थोड़ा तड़का लूंगी मैं, मैं डाल देती हूँ इसमें प्याज। प्याज को मैं सोते कर लेती हूँ पहले थोड़ी देर।
प्याज जो है हमारे थोड़ा सा इनका रंग गुलाबी हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू। साथ ही डाल देती हूँ मैं मसाले, और ये मेरे पास थोड़ी सी चटनी बची हुई पड़ी है जो मैं बनाती हूँ मोमन घर में रोटी खाने के लिए, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छी तरह। साथ ही चिकन भी ऐड कर देती हूँ ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं एक साथ। हरी मिर्चें, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ रतनिया। अगर आप सुरख मिर्च जो कुटी हुई है वो भी जो पीसी होती है या देगी मिर्च जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, हल्दी भी। मैं ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं करती। ये एक चम्मच अनारदाना ये भी मैं ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। देखिए जी अच्छी तरह मिक्स कर लिया मैंने सारी चीज़ें। इसको तड़का भी लग गया है भुरते को। अब मैं इसको एक बार फिर ले जाऊंगी कमरे में और रखूंगी पंखे के नीचे, ये ठंडा हो जाए फिर मैं इसके कबाब बनाती हूँ। चूल्हा बंद कर दिया मैंने, तो अब मैं इसको पंखे के नीचे रख के आती हूँ। बैनर भाइयों, हमारा जो बैटर है आलू चिकन का ठंडा हो गया है, तो मैं अब इसके कबाब बना लेती हूँ। इसमें आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जिस तरह की शेप आप चाहते हैं वैसी बनाएं, मैं है गोल ही बनाऊंगी। इसी तरह सारे बना लेती हूँ मैं। सारे मैं बना लेती हूँ इस तरह, फिर दिखाती हूँ आपको। बैनर भाइयों, मैंने सारे कबाब जो हैं बना लिए हैं, रेडी हो गए हैं हमारे सारे कबाब। देखें बहुत खूबसूरत बेहतरीन, और मैंने इनको चख लिया है, नमक कम था तो मैंने थोड़ा और सा इसमें ऐड कर दिया, और इस कदर बेहतरीन मज़ेदार इसका बैटर बना है कि आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो आइए अब मैं जो अंडे हैं वो फेंट लेती हूँ और ब्रेड क्रम्स भी लेके आती हूँ। अंडा फेंट लेती हूँ मैं। ब्रेड क्रम्स जो हैं ये भी तैयार है, ये ताज़ा ब्रेड के मैं मिक्सी में घुमा लेती हूँ मैं ताज़ा ब्रेड जो है। तो ये देखें बहुत अच्छे हमारे क्रम्स जो है रेडी हो जाते हैं, और ये हमारे कबाब भी बने हुए रेडी हैं। तो आइए मैं कबाब फ्राई करती हूँ। हमारे जो कटलेट्स हैं पहले मैं रेडी कर लेती हूँ अंडे में डिप करके, ब्रेड क्रम्स में,
ये देखिए इस तरह रेडी कर लेती हूँ मैं सारे कटलेट्स। ये देखें सारे जो हमारे कटलेट्स हैं सबको अंडा और ब्रेड क्रम्स मैंने लगा दिए हैं। और देखें ये इतने 7 इसमें हैं और 8 और 9 इसमें हैं, और इसको सिर्फ एक अंडा मैंने लगाया है, एक अंडा ही बहुत था इनके लिए। तो आइए अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ऑयल मैंने तवे के ऊपर डाल लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई कर लेती हूँ मैं। पलट लेती हूँ मैं। कितना प्यारा कलर आ गया। दोनों तरफ से अच्छा रंग आ गया है। देखिए उतार लेती हूँ मैं। ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया है कलर इनका। बाकी भी मैं इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। बहनों और भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत मज़ेदार चिकन पोटैटो नगेट्स सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह बहनों और भाइयों हमारे बहुत मज़ेदार बिल्कुल अलग स्टाइल से जो पोटैटो चिकन के कटलेट्स हैं वो रेडी हैं। आप ज़रूर बनाएं खाएं, मुझे भी दुआओं में याद रखें। बहुत ही मज़े के बने हैं। बहुत मज़े के बने हैं ये मेरे जो है धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी है और केचप है। तो आप बनाएं खाएं, मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली रेसिपी का के लिए। अल्लाह हाफिज़।